इसलिए 5 लाख की सीट भी कोई भर देता ना आपके 15 लाख में, एक ही बात कहता हूँ, मैं फाड़ दूंगा सीट को, मैं बैठा हूं ना, मस्त रहो। इतनी बड़ी बात ही तो होती है। और एक तो आदमी होता है जो डराता रहता है, अरे ऐसे मत करो, ऐसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे हाउ आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, कहाँ है हाउ, हाउ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ खींचर में दूसरे वाला आ गया, क्या बोलते हैं उसको, चीता घूम रहा है, क्योंकि तुम बार बार नारे लगे थे और शेर आया तो चीता एंट्री कर गया है और वो घूम रहा है खुंडाला और इधर गुड़िया और इस कांकड़ से निकलता। तो अभी तुम नारे लगाओ शेर आया तो शेर का वो जो बच्चा है वो चीता पहले आ गया उसी वंश के अंदर, वो पहले चेक करना है कि वास्तव में शेर आया, नारे लगे चेक करके आता हूँ है क्या शेर यहाँ, तो आ गया चीता, लेकिन आपको नुकसान नहीं करेगा वो चीता, आप चिंता नहीं करें, वो चीता को भी हम वापिस वहां भेज देंगे जहां से आया, जंगल के अंदर। और ये खींवसर का नौजवान और जनता जिस उम्मीद के साथ टकटकी लगा के देख रही मुझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मैं 100% सही हूं, 2-5% कमियां मेरे अंदर, जैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझ नहीं पाते। एक व्यक्ति मेरे पास आया, आप इसको सुनना आप अच्छी तरीके से, एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं भीड़ में था, मेरे को बोला कि साहब हमारा थानेदार मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा। 5 आदमी उसके साथ आए, मैंने कहा मुझे दो अर्जी, मैंने थानेदार को फोन लगाया, गोटन के थानेदार हुआ करते थे, मैंने कहा इनको भेज रहा हूं, इनका मुकदमा दर्ज कर लेना, थानेदार का साहब भेज दो, मैं इंतजार कर रहा हूं। 5-6 दिन बाद वो व्यक्ति वापिस आया, किस्सा मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो मैंने कहा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मैंने थानेदार को धमकाया, मैंने कहा मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, बोले साहब कोई आया ही नहीं, मैंने कहा आप गए नहीं, बोले गियो कौन साहब, तो मैं क्यों कहीं करियो के थाकट कागज अटी दर्ज कराए दियो, मैं कि मैं थोड़ी करूं दर्ज मुकदमा, वो तो थाने जानो पड़े, क्या था मोटो की तो थानो है, अब लोग बताओ यार ये कोई बात थोड़ी होती है। उनके मन में एक साहब करने की अगला काम होगा, कई कैसे प्रधानमंत्री थे और बे थे, अरे प्रधानमंत्री में कोनी पर लड़ लिया, प्रधानमंत्री और सीएम आते हैं, तो थोड़ा सा समझदार भी अपने को बनना है, तब मुझे पीड़ा होती है, पीड़ा ये होती है कि थोड़ा सा अब समझदार होगा, 90-92% समझदार होगा वो, बात में समझो और नाराज भी हो जाओ, पर तूफान आवे ना तूफान में किस साइड में चालना और क्या तूफान ने रोकना है और या फिर तूफान को सुनामी कैसे बनाना है, ये क्यों उत्तर की जनता जान रही है। और जब चुनाव का फार्म भरा था और चुनाव का फार्म भरने के बाद जो 7 दिन का समय, ये तूफान आ गया क्यों उत्तर के अंदर, अपने आप समझ गए कान में बात करके एक दूसरे के कि जीत भारी करानी है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना मोदी अमित शाह को, ये वीर तेजाजी महाराज की धरती है, ये 5 लाख के आसन पीठ जम्बेश्वर भगवान, ये बालाजी महाराज, रामसा पीर, तमाम देवी देवता लोक देवता उनकी धरती है, इसलिए हनुमान जी को कमजोर नहीं करेंगे। अरे यार मत चुप करो ना एक बार, अगर हनुमान जी कमजोर हो गए और आरएलपी कमजोर हो गई तो पूरा नागौर जिला और मारवाड़ और तमाम सर्व समाज कमजोर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना आप।